नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर ले। आज हम बात करेंगे इंडिया मार्ट इंटरमेश के बारे में। इस कंपनी की बात करें तो धीरे धीरे करके इस कंपनी में गिरावट दर्ज हो रही है। हालांकि दोस्तों कुछ कमेंट कर रहे हैं कि इस कंपनी में अभी क्यों गिरावट हो रही है, ऐसा क्या फॉल्ट है। सबसे पहले दोस्तों हम उसको कवर करेंगे, वहीं पर हम कंपनी की बात कर सकते। इसमें मुझे जो है कि बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी भी दिख रही है, जिससे रिलेटेड भी हम आगे डिस्कस करेंगे। हालांकि दोस्तों आज के दिन मार्केट में ही गिरावट थी, मार्केट में प्रेशर थी, तो इस स्टॉक में भी प्रेशर था। हालांकि जब मार्केट रिकवर हुआ तो ये भी स्टॉक रिकवर हुआ है। हालांकि दोस्तों कंपनी ने 1:1 का बोनस दिया। डेट की बात करते 21 जून है, जिससे रिलेटेड हम आगे डिस्कस करेंगे। आगे इंडिया मार्ट इंटरमेश के ऊपर, जैसा कि आप देख सकते हैं आज की बात करेंगे दोस्तों, तो आज के दिन इस कंपनी ने लगभग देखा जाए तो 2% की गिरावट दर्ज किया था, जैसा कि आप देख सकते हैं। उसके बाद मतलब जैसे ही मतलब मार्केट में भी इसी टाइम पे जो है कि मार्केट में भी गिरावट थी, उसके बाद मार्केट रिकवर करता दोस्तों, तो ये भी कंपनी रिकवरी दिखाती है। वहीं पर अगर हम कंपनी की बात करें दोस्तों, तो ये कंपनी करती क्या है, तो ये कंपनी जो है कि एक प्रकार से देखा तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करती है, मतलब B2B में दोस्तों सेक्टर का लीडर कह सकते हैं। हालांकि एक प्रकार से इस कंपनी को मोनोपोली भी कह सकते हैं। वही भी दोस्तों अगर हम इस कंपनी की बात करते, इस कंपनी का जो एक्स डेट रिकॉर्ड डेट की बात करते 21 जून है, जो कि पहले कंपनी ने रिवाइज कर दिया था। अगर एक महीने के चार्ट को देखें दोस्तों, तो एक महीने में कंपनी 4.25% का रिटर्न बना के दे रही है। और यहाँ पे अगर आप तेजी की बात करेंगे तो आप अगर तेजी भी देखेंगे तो लगभग कंपनी ने 15% का रिटर्न बना के दे दिया है। इस पॉइंट को भी नोट कर सकते हैं, 27 अप्रैल से 4 मई के बीच में लगभग कुछ ही दिनों में 15% का रिटर्न बना के दिया है। हालांकि दोस्तों यही जो है कि मतलब 6100 के आसपास कंपनी गई थी, लगभग 6096 रुपये के आसपास कंपनी ने हाई लगाया था। उसके बाद कंपनी में गिरावट ही देखने को, जो हमारी रेगुलर वीडियो को देखते हैं उनको मालूम होगा दोस्तों कि हमने 5500 से 6000 के बीच में जो है कि बोला था कि ये कंपनी ट्रेड करेगी। हालांकि दोस्तों कुछ इन्वेस्टर कहेंगे कि आज के दिन तो इस कंपनी ने मतलब 5500-5400 के आसपास भी आई थी। हालांकि दोस्तों देखिए, जो एग्जेंप्शन है एग्जेक्ट तो किसी का भी कैलकुलेट नहीं होगा, ये मार्केट है दोस्तों, ये जो है कि आपके मतलब विपरीत ही चलने को मिलता है। वहीं पर अगर हम कंपनी की बात करते, एक साल में 31% का रिटर्न बना के दे दिया है। और 5 साल की बात करेंगे दोस्तों, तो 5 साल में 325% का रिटर्न बना के दिया। और यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, मतलब ये गिरावट होने के बाद कंपनी एक कंसोलिडेट करती है। हालांकि दोस्तों इनके मैनेजमेंट भी बहुत काफ़ी पॉजिटिव देखने को मिलते हैं, जो कि उन्होंने बताया भी दोस्तों कि मतलब आने वाले समय में कंपनी का बिजनेस ही ग्रो होगा। जैसा कि दोस्तों ये मेरा भी मानना है, बिजनेस ग्रो ही होने वाला है। बिजनेस क्यों ग्रो होगा दोस्तों, तो सबसे पहले आपसे बताना चाहते हैं कि जब ये कंपनी 10,000 के ऊपर ट्रेड कर रही थी दोस्तों, तब भी कोई जो है कि इस कंपनी से रिलेटेड नेगेटिव नहीं था। और जब कंपनी 5,000 पे थी, 4,000 पे थी दोस्तों, तब भी इस कंपनी से रिलेटेड कोई नेगेटिव नहीं। क्यों दोस्तों? क्योंकि सभी को पता है दोस्तों कि ये कंपनी करती क्या है। तो ये कंपनी जो है कि स्मॉल एंड मीडियम साइज की जो बिजनेस कंपनियाँ करती है दोस्तों, उसको जो है कि ग्रो होने में हेल्प करती है। मतलब आप इनकी वेबसाइट पर आ जाएंगे दोस्तों, मतलब उसके लिए ये कंपनी एक गेम चेंजर है। इस चीज़ को नोट कर सकते हैं, जो कि आप लोगों को पता होगा दोस्तों। आप इंडिया मार्ट की वेबसाइट पे जाएंगे दोस्तों, जितने भी मतलब बिजनेस वाली मैन्युफैक्चरर वाली कंपनियां दोस्तों, कुछ एक प्रोडक्ट वाली विशेष प्रोडक्ट वाली कंपनियां दोस्तों, वो सब जो है कि आपको इनकी एक ही वेबसाइट पे देखने को मिल जाएंगे। खासियत यही है दोस्तों कि ये आपको जितनी भी ऑनलाइन साइट वाली कंपनियां दिख रहे दोस्तों, इन्फो एज की बात करते, ये भी जो है कि ऑनलाइन बिजनेस है दोस्तों। वहीं पर दोस्तों यहां पर आप देखेंगे जोमेटो लॉस में, पेटीएम लॉस में। अगर मैं यहाँ पे बात करें नायका भी देखा जाए तो अभी रिसेंट में और 1800 के पी पे ट्रेड हो रहा है दोस्तों। मतलब आप देख सकते हैं कि हाई वैल्यूएशन के कारण मतलब इस कंपनी की बात करें तो 60 के पी पे, मतलब जितनी भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनियाँ दोस्तों, उनमें देखा जाए तो ये कंपनी एक सेक्टर का लीडर आप कह सकते हैं और मोनोपोली भी कह सकते हैं। हालांकि मार्केट कैप की बात करें तो छोटा देखने को। सबसे बड़ा पॉजिटिव साइन है दोस्तों इसमें जो प्रमोटर की बात करें, प्रमोटर जिस समय कंपनी स्ट्रगल कर रही थी, कंपनी का स्टॉक जो है स्ट्रगल कर रहा था, उस समय उन्होंने बाईबैक भी अनाउंसमेंट किया। उसके बाद जो है कि अभी इस मतलब जो बोनस है दोस्तों, उसको अनाउंसमेंट किया और कंपनी के रिजल्ट भी अच्छे ही आए हैं। वहीं पे अगर मैं फाइज की बात करते, फाइज ने एक्युमुलेट किया। डीआईज की बात करते, डीआईज ने कुछ जो है कि सेल किया है। रही बात पब्लिक की, तो पब्लिक ने भी प्रॉफिट बुकिंग किया। हालांकि दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि देखिए, जैसा हमारे पास कमेंट आया कि अभी क्यों गिरावट हुई, तो बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं हुई दोस्तों। हालांकि दोस्तों इस कंपनी में कितनी और गिरावट हो सकती है, मेरे पॉइंट से दोस्तों इस समय बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी है। दोस्तों अभी तक तो सारी बातें हो गई, कंपनी करती क्या है सब कुछ हो गया, लेकिन दोस्तों अभी जो बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी है उससे रिलेटेड अभी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले कंपनी के एक साल के हम चार्ट को देखेंगे दोस्तों। यहां पे जो आप एक साल के चार्ट को देख रहे हैं ना, ये छोटे मोटे आपको जो चार्ट दिख रहे हैं, जो छोटी मोटी तेजी या गिरावट देखने को मिली, सब तेजी या गिरावट की बात करें दोस्तों, तो सब 10% के अंदर है। हालांकि ये थोड़ा सा आपको जो है कि 20% के आसपास देखने को। वहीं पर अगर हम छोटी छोटी
गिरावट की बात करते, ये जो है कि 10% गिरावट दर्ज करता है, उसके बाद जो है कि स्टॉक में तेज़ी देखने को मिलती है। वहीं पर अगर हम कंपनी की एक महीने की बात करें दोस्तों, तो आप अभी देख सकते हैं कि एक महीने में लगभग ये कंपनी 10% के आसपास गिर चुकी है, जो कि मेरे पॉइंट से दोस्तों और भी गिरावट दर्ज करेगा तो इसी के आसपास रह सकता है। तो जो इन्वेस्टर अभी इसमें बाइंग करना चाहते हैं दोस्तों, तो आप चाहे तो करंट प्राइस से बाइंग कर सकते, जो कि लगभग 1% का रिस्क देखने को मिल रहा है। जैसा कि आप इसके 6 महीने के भी चार्ट को देखें तो 6 महीने में कंपनी लगभग 24% का रिटर्न बना के दे दिया। और वहीं पे दोस्तों अगर हम कंपनी की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी लगभग वही, मतलब मेरे पॉइंट से देखिए दोस्तों, वही 10% के आसपास इस कंपनी में गिरावट होती है। अगर हम एग्जैक्ट कैलकुलेट करेंगे तो वही 10% के आसपास कंपनी में गिरावट होती है, उसके बाद स्टॉक में तेज़ी देखने को मिलती है। अगर वर्स्ट कंडीशन में दोस्तों स्टॉक में गिरावट होती है, मेरे पॉइंट से हो सकता है कि ये स्टॉक लगभग देखा है तो वही 5500 के आसपास चल सकता है। गिरावट तो अभी कम ही चांस है, लेकिन मार्केट दोस्तों किधर भी जा सकता है, तो लगभग हो सकता है कि 5000 के आसपास भी आ सकता है। वही भी दोस्तों अगर हम कंपनी की तेज़ी की बात करें तो ये स्टॉक स्प्लिट के पहले हो सकता है कि मेरे पॉइंट से एक बार एक नया हाई भी लगा सकता है, जो कि मेरा मानना है। आपको क्या लगता है चाहे तो हमको कमेंट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।